एक सवाल ये, आप हवा महल का प्रतिनिधित्व करते हैं, हवा महल पूरे विश्व में फेमस है, जयपुर की पहचान है, जब विदेश में ये हेडलाइन छपती है कि हवा महल का जनप्रतिनिधि मांस की दुकानें बंद करवाने के लिए सड़क पर निकला, तो क्या उसको नहीं लगता कि आपको वो भी जयपुर की गलत छवि जा रही? जनप्रतिनिधि के होने के नाते शहर की साफ सफाई को, सुंदरता को, अवैध कामों को बंद करने का, कराने का काम मेरा है कि नहीं, या आप बताइए मुझे? साफ सफाई का है? है। और जो अवैध काम चल रहे हैं उनको रोकने का है, लेकिन डिपार्टमेंटल है, अधिकारी नहीं मान रहा, जब क्या करें? अधिकारी कह रहा ऐसा नहीं होता। 3-4 फोन मैंने सवेरे से अधिकारियों किए, अधिकारी कह रहा नहीं, बिना लाइसेंस के कोई काम हो ही नहीं रहा, सब गलत सूचना है, लाइसेंस से हो रहा है। 137 लाइसेंस दिए हैं, मैं कह रहा हूं साहब 2037 दुकानें हैं, लाइसेंस 137 के दिए हैं, और वो दुकानें हैं आपको दिखाता हूं, मेरे कार्यालय के ठीक सामने है। जब मौके पे जाके देखा, अधिकारी की आंख खुली और लाइसेंस मांगा तो 0 मिला, दूसरी जगह नहीं मिला, तीसरी जगह नहीं मिला, और फिर दुकानें बंद होके भागते नजर आए। क्यों? आप सही हो, बेचो ना साहब, कहां दिक्कत है? खाए बनाए बेचे कोई भी जाति धर्म का आदमी करे, हमें कतई आपत्ति नहीं है। हमें तो जो माहौल बिगड़ रहा है, माहौल खराब हो रहा है, जिस प्रकार का शहर की तस्वीर जा रही है, उसे ठीक करने की आवश्यकता है। मैं मेरे शहर को सुंदर बनाना चाहता हूं, स्वस्थ बनाना चाहता हूं, मेरी हवा महल विधानसभा आदर्श विधानसभा बने, मैं ये चाहता हूं, उसके लिए मुझे काम करना है। अगर वो राजी से मान रहे हैं अच्छी बात हो, नहीं तो जगाना तो पड़ेगा साहब। वीडियो देखने के बाद कोई सलाह सुझाव आए जो आपने दूसरी एक वीडियो डाली? मैंने आपको लगा कि शायद हाँ। कुछ अंदाज तल्ख हो गया है? देखिए ऐसा है, मुझे सामने जो देखा क्रोध आया, बात ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं काम यहां से नहीं करता साहब, यहां से करता हूं, दिल से। मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, मेरे शहर की तस्वीर खराब हो रही है, छवि खराब जा रही है, यहाँ की फोटो खींच रही है, इतना टूरिस्ट जो आता था वो आना बंद हो गया, थोड़ा बहुत आया वो फोटो खींच के ले आ रहा है, यहाँ ये हो रहा है, मंडी बना दी पूरी। तो मैंने जब अधिकारियों को ये कहा कि साहब मेरा जिम्मेदारी नहीं, अब बताओ ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? वो छुट्टी पर है। मैं सलाह की बात कर रहा हूं, किसने सलाह दी कि माफी के लिए एक वीडियो नहीं? कोई सलाह नहीं दी गई। मुझे लगा ऐसा कि अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगे तो, देखिए मैं तो एक अध्यात्म गुरु हूं, एक संत के रूप में मुझे देखा जाता है, तो मेरा तो स्वभाव है गले लगाने का, सबको साथ लेके चलने का, और हम ऐसी व्यक्तित्व से प्रेरित हैं जो एक इस देश को नहीं अपितु पूरे दुनिया भर में इस समय छाए हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं उनको प्रधानमंत्री के साथ में राष्ट्रीय संत मानता हूँ, क्यों? एक राष्ट्रीय संत है, और उनका जो कार्य का अंदाज है, जो उनका विजन है, उससे हम प्रेरित हैं, उनके कह दें आप, हम उनसे प्रेरित के फैन हैं उनके। तो उस बात को मैंने देखा, समझा, सुना कि भाई अधिकारी अपने ही हैं, काम इनको ही करना है। अब जिस प्रकार से घर में कभी डांटा जाता है और कभी प्यार किया जाता है, तो ये सारा परिवार है मेरा, कभी डांट से, कभी प्यार से, कभी संत को क्रोध जायज क्यों नहीं कर सकते? गलत हो तो फिर आएगा ही ना, आएगा, गलत है तो आएगा। काम मोक्ष क्रोध से ऊपर संत, ये कहा जाता है। है, लेकिन आप संतों का, ऋषियों का स्वभाव भी देखें, जब राक्षस भारी थे तो दधीचि भगवान ने हड्डियों का दान कर दिया था, और जब क्षत्रियो के रूप में उस समय राजा महाराजा किसी रूप में कोई अत्याचार कर रहे थे तो परशुराम भी बनना पड़ा था, और जब वेद व्यास जैसे ग्रंथों को लेकर और इस पूरे जगत और दुनिया को शास्त्रों का ज्ञान दे रहे थे तो माँ सरस्वती की कृपा लेकर, तो कई बार व्यास जी भी, तो यानी हम लोगों को स्वभाव में सभी प्रकार के स्वरूप रखने पड़ते हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा कि कभी डांट से, कभी प्यार से, तो पहले जब उनको जगाना बहुत जरूरी था, और मैंने देखा उसके बाद में सब एक्टिव हैं। इस समय बाजार में आप देखो, दुकानों की स्थिति देखो, बाजार में जो लगाते थे उनकी स्थिति देखो, नगर निगम में लाइन लगी है वो देखो, रेवेन्यू बढ़ गया उनका। आलोचना तो मैंने आपकी कर दी कि आपकी वीडियो को देख के जो जो आलोचना हुई, सवाल ये है कि कोई धमकियां भी मिली? कोई धमकियां मिल रही है, कुछ पाकिस्तान में वीडियो डाले गए हैं, कुछ कोई हैदराबाद से डाल रहा है, कोई उस पर ट्विटर पे लिख रहा है, बहुत अभद्र और बद्दी बद्दी कुछ लिख रहे हैं, लेकिन उससे विचार नहीं है। देखिए ये जिस क्षेत्र में आ गए तो आलोचनाएं भी होगी, अच्छा भी, लेकिन मैंने एक अनुभव किया, करोड़ों लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया।